अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक टू एन अदर व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। बड़े आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एंड तक फॉलो किया करें, लाइक किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो कर दें। और आलू के स्नैक्स सारे बच्चों को पसंद होते हैं, इसलिए मैं तरह तरह की रेसिपी लेके हाजिर होता रहता हूँ। और चले अब हम इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। तो भाई, ये मैंने हाफ के जी पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे, और ये हमने हरा धनिया, लहसुन पाउडर और लाल कुटी मिर्च और काली मिर्चें और नमक ले लिया है और कॉर्नफ्लोर। तो भाई चले अब हम आलू मैश कर लेते हैं। सो ये मैश हो गए हैं, चले अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। यह हमने हरा धनिया ऐड कर लिया, ये धनिया पाउडर और ये कुटी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर और नमक। मैं थोड़े ही मसाले में अच्छी चीज़ तैयार कर लेता हूँ, और आप भी थोड़े डाला करें, सारे डालते हैं तो चीज़ अच्छी नहीं बनती। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। सही, हमने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। चले अब हम इसके अंदर को थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं, हम इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। और आपने काम करने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लेने हैं, ताकि सफाई के साथ काम हो सके, और क्योंकि सफाई निस्वान है। सो ये देखें, हमने इसको गूंद लिया है, अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं और इसकी डिप तैयार कर लेते हैं। सो भाई, अब हमने मेयोनीज ले ली है, और ये हमने ये हमने सिरका ले लिया है, और ये हम लोगों ये हमने लहसुन पाउडर ले लिया है, और ये ब्लैक पेपर और हरी मिर्च। हमने इसको हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमारी डिप तैयार हो गई है, चले अब हम अपनी स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉर्नफ्लोर डस्ट करते हैं, तो थोड़ा फैला लेते हैं, और छोटी सी इसकी बॉल लेंगे हम, इसके थोड़ा सा घुमा लेंगे, और इसको फिर हाथ से ऐसे 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 यूं करेंगे। सो गाइस, आपने अपनी छुरी पे पहले थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेना, ताकि आपके स्टिक्स कट आसानी से जाए। इस तरह करके आपने यूं सो गाइस, हमने स्टिक्स काट लिए, हम इसी तरह सारी काट लेते हैं, और इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। चले हम फ्राई कर लेते हैं। वैसे गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसे पलट लेते हैं, दूसरी साइड से भी हम इसे यूं ही पका लेंगे। वैसे हम इसे निकाल लेते हैं, देखें कितना प्यारा कलर आया है। सो वैसे हमने और बना लिए थे, अब हम इसे भी डिश आउट कर लेते हैं, फिर सर्व करते हैं। तो वैसे हमारे पोटैटो स्टिक तैयार हो गए हैं। आपने बहुत दफ़ा फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे, लेकिन ये आप जब खाए ट्राई करेंगे तो आप फ्रेंच फ्राइज को भूल जाएंगे। चाहे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।